उसमें मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगी कि केपी अपने आप में एक होल एस्ट्रोलॉजी है, और केपी पद्धति से हमें इवेंट्स निकालना, हमें आंसर्स जल्दी मिल जाते हैं। वैदिक में आपको काफी सारे चार्ट्स और सब चीजें देखनी पड़ती हैं, केपी में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने आंसर्स बड़े अच्छे से और बड़े ही स्टीक प्राप्त कर सकते हैं। लाइक द जो आंसर्स हमें प्राप्त होते हैं वो भाव के माध्यम से होते हैं, हाउसेस के माध्यम से। उसके लिए हमें पूरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर किसी को नहीं आती और वो सिर्फ केपी ही करता है, उससे भी काफी आपको हद तक, मैं ये कहती हूँ कि भी बहुत ज्यादा आगे आप जाके इवेंट्स को निकाल सकते हैं। जो इवेंट्स आपकी लाइफ में घट चुकी हैं या जो इवेंट्स आपकी लाइफ में घटने वाली हैं, उनको हम केपी के माध्यम से पहले ही जान सकते हैं, और हम उसके अंदर केपी के माध्यम से हाउसेस को यूज करके उसको हम डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में ही एक ऐसी पद्धति है जो हमें फुल नॉलेज देती है एस्ट्रोलॉजी की। और एक चीज और कि ये बड़ी आसान है, इसमें आपको ज्यादा कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये मेरा अपना बनाया हुआ एक्सेल शीट्स है जिसपे मैं काम करती हूँ। और शुरू शुरू में जब मैंने केपी करना शुरू किया था तो ये शीट्स मैंने अपने रेफरेंस के लिए बनाई थी, और ये सारी शीट्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी कोर्स के दौरान, और इनको कैसे यूज करना है आपने वो भी आपको बताया जाएगा। तो आपके लिए एक सॉफ्टवेयर जो हम अपने आप रेडी करके आपको देंगे, और उसमें जितने टॉपिक्स हम कवर करेंगे पूरी क्लास में, उसके हर फॉर्मूलाज उसके अंदर फीड होंगे। आपने सिर्फ सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ लेनी है, चार्ट खोलना है, उसमें हर चीज आपने डालते चले जाना है। आपको कैलकुलेशंस अपने आप आ जाएंगी, आपको हाउसेस के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई ये हाउसेस आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, यू आर ऑन को-होस्ट जी, जी। आई होप कि ये स्क्रीन यस, सबको स्क्रीन आ दिख गई रही मैडम, है। आ गई मैडम, स्क्रीन आ गई। हाँ जी, तो इसमें जैसे आप देख रहे हो कि भाई ये हेल्थ का हमने शीट बनाई हुई है, तो अगर आपने किसी बंदे की हेल्थ जाननी है कि भाई उसकी हेल्थ सही रहेगी, खराब होगी, कितनी खराब होगी, क्या डिजीज आएगी उसको, ये सारी आपको ये शीट आपको बताएगी। इसमें जो है हमने आगे स्टेप, सारे स्टेप जो हैं सब हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दिखाए हुए हैं, और ये भी आप जान लोगे इससे कि भाई उसको कौन से टाइम पर, कौन सी डेट, कौन से उसमें आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हेल्थ का है। इसके साथ हम लॉन्जिविटी लेंगे कि भाई आप जैसे पहले तो हमें इजाजत नहीं है कि भी हम किसी की लॉन्जिविटी देखें, लेकिन कई केसेस में हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कब होते हैं ये केसेस, कि जब आप किसी की शादी की दोनों की कुंडलियां देख रहे हो, तो लड़का लड़की की लॉन्जिविटी आपको देखना बहुत जरूरी होता है। या कोई आपको सामने से कहे कि भाई मेरे बेटे की या बेटी की या बच्चे की, अगर आप देख के बता सको कि इसकी उम्र कैसी रहेगी, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फिर उसके अंदर हम हेल्थ, लॉन्जिविटी, बिजनेस, फाइनेंस, ये सारी जितनी भी टॉपिक्स हैं, भाई जॉब है, कोई ये कहता है कि भाई मुझे जॉब चेंज करनी है, मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मैं इस जॉब में लंबा चलूंगा या मेरे को निकाला जाएगा, या मुझे नई जॉब इसके बाद मिलेगी, कैसी जॉब मिलेगी, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप सिर्फ केपी के थ्रू दे सकते हो। उसके लिए और एक केपी का एक और भी आपको फायदा मैं बताती हूँ कि आप चाहे कहीं भी रहें, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप चाहे बेशक कि आप अपने आपके पास आपका लैपटॉप नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी आप सामने वाले का प्रश्न लेके उसको जवाब दे सकते हैं। तो केपी जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो आपको फुल बेसिक टू एडवांस कोर्स होगा। आप इसके बाद आपको केपी पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी, आपको इसमें कुछ भी इफ्स एंड बट्स नहीं रहेंगे, बिकॉज हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे वो सारी शीट्स के माध्यम से देंगे। उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेट कर सकोगे, शुरू शुरू में आपको वो मदद देगी, बाद में तो आप अपने फोन से कोई भी सॉफ्टवेयर खोलोगे तो आप उसमें आप अपने आप सामने वाले को बता सकते हैं।
इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स जो हम डालेंगे उसके अंदर कि भाई चाइल्ड बर्थ, जैसे अभी किसी ने बीटीआर का कहा, बीटीआर क्यों करना जरूरी होता है, बीटीआर इसलिए करना जरूरी होता है केपी लेवल पे, बिकॉज वो हमें सेकंड्स तक लेके जाता है। केपी के जो नक्षत्र लॉर्ड से सब लॉर्ड हैं वो हमें सेकंड्स तक बताते हैं, तो उसको अगर हम बीटीआर कर लेते हैं तो हमें, आप सबको हैरानी होगी जब हम बीटीआर के सेशन करेंगे तो आप सबके टाइम जो है थोड़े आगे सरकेंगे पीछे सरकेंगे, तो उससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भाई आप किस समय इस दुनिया में आए थे, कितने सेकेंड्स थे वो और कितना आपका मिनट था, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ हुई हुई घटनाएं और आगे होने वाली घटनाओं में कौन से प्लैनेट्स आपके रूल करते हैं पूरी कुंडली में, और उससे आप जान सकोगे कि भाई आपके ये जो हाउसेस जो अब हम रिलेट करेंगे तो उससे हम उस प्लैनेट को देखेंगे कि भाई ये कौन से प्लैनेट कौन से हाउसेस को लेके चल रहा है, तो आप खुद भी अपने आप समझ पाओगे। और प्लस इसके अंदर बीटीआर के साथ साथ हम आपको वो चीज बता देंगे कि जैसे आजकल हम सबको एक मन में रहता है कि भी अगर आपने ट्रैवल करना है या आपने किसी काम के लिए जाना है तो आप किस समय निकले, किस समय अपना वो काम शुरू करें, वो काम अच्छे से होगा कि उसमें रुकावट आएगी, या वो काम जो है आपको सामने वाला अगर गवर्नमेंट वर्क है तो आप किस दिन गवर्नमेंट ऑफिस जाएं और वहां से अपना काम करा के वापस आए, तो ये सारी चीजें जो है ये केपी से हम लोग देख सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है जब पूरा आपका ये कोर्स हो जाएगा तो आप फ्री जो हमारा सॉफ्टवेयर जो सबके फोन्स पर होता है एस्ट्रोसेज, उसके माध्यम से भी आप ये सारी चीजें देख सकते हो। आप कहीं भी बैठे हो, किसी ने भी आपको फोन किया या किसी ने भी आपको कहीं जाना है तो आप अपना खुद का टाइम देख सकते हो कि भाई मैं वहां जाऊं तो मेरे लिए बेहतर होगा अभी या मैं आधे घंटे के बाद निकलूं, तो ये सारी चीजें आपको केपी जो है बताती है। और केपी अपने आप में एक फुल एस्ट्रोलॉजी है, और इस केपी के कोर्स के बाद आपको जरा भी ये नहीं लगेगा कि भी आपको केपी समझ में नहीं आई। जैसे कि ये जो स्क्रीन आपके साथ मैंने शेयर करी, इसके अंदर आज मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगी। ये रूलिंग प्लैनेट्स का है, रूलिंग प्लैनेट्स जो होते हैं कि जो उस समय जब आपने टाइम डाला है, आपने ये देखा कि भाई रूलिंग प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं वो समय, वो जो आवर है उसको, मिनट को और सेकंड्स को, उसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि भाई इवेंट जो सामने वाले ने हमसे पूछी है वो कब घटित होगी, होगी या नहीं होगी। तो ये सारी शीट्स आपको दी जाएंगी, जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक करते जाएंगे शीट्स आपके पास आती जाएंगी, आपको प्रैक्टिस करने को बोला जाएगा, और उसमें अगर आपको कोई भी इश्यू आता है हम अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को हल करेंगे, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे सबको शीट्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस उनको होमवर्क भी साथ दिया जाएगा क्वेश्चंस के साथ कि भाई आज हमने ये किया है तो आप इस रूलिंग शीट या जो भी शीट आपको दी गई है उसमें आप ये क्वेश्चंस दूसरे अपने फैमिली मेंबर्स के अपने क्वेश्चंस डाल के चेक करें, तो उससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि एक तो आपको जो सामने निकल के आएंगे जो फॉर्मूलाज लगे हुए हैं शीट्स पे वो पूरे केपी से रिलेटेड है, प्लस ये शीट सारी मेरे थ्रू डिजाइन की गई हैं और आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको यूज करके केपी को आगे लेके जाना।